होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस के मौके पर देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान रैतिक परेड भी आयोजित की गई है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्यमंत्री अतिथि के तौर पर शामिल हुए। सीएम धामी ने जवानों को सम्मानित करते हुए कई बड़ी घोषणाएं की है। सीएम ने सेना की तर्ज पर होमगार्ड के लिए CSD कैंटीन की सुविधा शुरू करने की बात कही। साथ ही होमगार्ड्स के लिए विशेष कार्ड बनवाए हैं। होमगार्ड के पदों पर जल्द ही 320 नई भर्तियां तैयारी की जाएगी। होमगार्ड्स के प्रशिक्षण के लिए प्रेमनगर में फायरिंग रेंज बनाने और बड़ी संख्या में मोटरसाइकिल की खरीद की जाएगी। साथ ही उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ड्यूटी पर प्रोत्साहन राशि और रेस्क्यू सेंटर हॉस्टल का निर्माण किए जाने की घोषणा भी सीएम धामी ने की है। इस परेड को देखने के लिए आए हुए हमारे स्कूलों के सभी मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मैं उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, सभी मीडिया के हमारे साथियों, सर्वप्रथम आज के इस शुभ अवसर पर मैं सभी होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के स्थापना दिवस की आप सबको अपनी ओर से मैं बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आप सबके हौसले को भी नमन करता हूं तथा आपके उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूं। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि मुझे आज के इस शुभ अवसर पर आप जैसे सभी जवानों के बीच उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। राष्ट्र सेवा का अद्वितीय उदाहरण अगर कहीं स्पष्ट देखने को मिलता है तो जब भी आप सब लोगों की परेड देखते हैं, आप सबके कर्तव्य देखते हैं, साहस और वीरता के जो प्रदर्शन है वो देखते हैं, तो आप सब जवानों के आकर बीच में आकर देखने को मिलता है।